तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। उस यक्षिणी डायन ने पिताजी को मार दिया माँ, मार दिया पिताजी को। वैजयंती खामोश रहती है, कुछ रिएक्ट नहीं करती है। ब्रजेश्वर की लाश को देखकर तो जानकी और सुदेश ने रोना भी शुरू कर दिया था, पर वैजयंती थी कि उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा तक नहीं था। वो अपनी जगह से जरा सी भी टस से मस नहीं हुई थी, बस एकटक नजर से खामोशी के साथ ब्रजेश्वर की लाश को देखते जा रही थी। दिलीप वैजयंती से रोते हुए ही कहता है, तुम कुछ कहती क्यों नहीं माँ, ऐसे चुप मत रहो माँ, देखो माँ उस यक्षिणी ने मार दिया पिताजी को, अब हमारा क्या होगा माँ, क्या होगा हमारा। वैजयंती अभी भी खामोश रहती है, बस एकटक नजर से ब्रजेश्वर की लाश को देखते रहती है। दिलीप को कुछ अजीब लगने लग जाता है, वो यही सोच रहा था कि उसकी माँ रो क्यों नहीं रही थी, जबकि कोई और औरत होती तो उसने अपने पति की लाश को देखकर अब तक रोना धोना शुरू कर दिया होता। दिलीप ब्रजेश्वर की लाश के पास से उठता है और वैजयंती के पास जाकर उसे हिलाते हुए कहता है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं माँ, बोलो बोलो माँ। इतना कहकर दिलीप वैजयंती को झकझोरने लग जाता है, अपनी पूरी जान लगाकर उसे हिलाने लग जाता है, पर वैजयंती थी कि कुछ प्रतिक्रिया नहीं देती है। वो एक गहरी शोक में डूबी हुई थी, उस शोक में जहाँ पर उसके रोने की आवाजें सिर्फ वही सुन पा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा तो बह रही थी, पर उसके अंदर उसके सीने में आंसुओं का सैलाब जमा हो गया था। जब जानकी देखती है कि दिलीप बार बार वैजयंती को हिलाए जा रहा था, पर वैजयंती कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो उसी वक्त जानकी विराट को सुदेश की गोद में देती है और दिलीप को वैजयंती से दूर करते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए माँ को, इन्हें इस तरह से मत करिए। दिलीप रोते हुए जानकी से कहता है, माँ कुछ कहती क्यों नहीं जानकी, देखो ना माँ को क्या हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं रही है। जानकी भी रोते हुए ही दिलीप से कहती है, कुछ नहीं हुआ है माँ जी को, वो बस सदमे में है, उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, उन्हें अकेलेपन की जरूरत है। दिलीप रोते हुए ही कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं जानकी, वो माँ है मेरी। इतना कहकर दिलीप खुद खामोश हो जाता है, पर अगले ही पल उसे लगने लग जाता है कि जानकी ठीक कह रही थी, इसलिए वो खुद वैजयंती को झकझोरना बंद कर देता है और पीछे हट जाता है। वैजयंती ब्रजेश्वर की लाश को देखते हुए ही धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लग जाती है। वैजयंती ब्रजेश्वर की लाश के पास जाकर बैठ जाती है। ब्रजेश्वर की लाश को देखकर वैजयंती के हाथ पैर कांपने लग गए थे। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने उसके पति का शव रखा हुआ था। वैजयंती कांपते हुए हाथ से ब्रजेश्वर के सीने को छूने लग जाती है। वैजयंती जैसे जैसे ब्रजेश्वर के सीने पर हाथ फेरते जा रही थी, उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जो उसने ब्रजेश्वर के साथ बिताए थे। उसे याद आता है कि कैसे ब्रजेश्वर अपने माता पिता के साथ उसे देखने के लिए आया था और उसे देखते ही उसने पसंद कर लिया था। वैजयंती को वो सारे प्यार के पल एक एक करके याद आ रहे थे जो उसने ब्रजेश्वर के साथ बिताए थे। वैजयंती ब्रजेश्वर के सीने पर हाथ फेरी रही थी कि तभी उसे इस चीज का आभास होने लग जाता है कि ब्रजेश्वर मर चुका था, अब वो कभी नहीं उठेगा, उसकी सांसें जा चुकी थी। वो सैलाब जो वैजयंती के सीने के अंदर जमा हो गया था, वो सैलाब को बाहर निकालते हुए रोते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उठिए जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उठिए जी। वैजयंती चीख चीख कर रोने लग जाती है। उसके अंदर जितना सैलाब भरा हुआ था वो बाहर निकालने लग जाती है। दिलीप और जानकी भी वैजयंती को रोने देते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं, वो जानते थे यही ठीक था। वैजयंती के अंदर का दर्द बाहर बहकर आना जरूरी था, अगर वो दर्द बहकर बाहर नहीं आता तो वो हमेशा इसी दर्द के साथ जीते रहती, हमेशा गम में डूबे रहती। वैजयंती चीख चीख कर रो ही रही थी कि तभी उसकी नजर बल्लू की गोद में जो अनुराग था उस पर पड़ती है। अनुराग कुछ इस तरह बल्लू की गोद में पड़ा हुआ था कि उसे देखकर कोई भी कह दे कि उसकी सांसें थम चुकी हैं, वो मर चुका है। यही गलतफहमी वैजयंती को भी होने लग जाती है। उसे लगने लग जाता है कि अनुराग को भी यक्षिणी ने कुछ कर दिया है, आखिर वो भी तो अमावस्या की रात में काला झाड़ी जंगल गया था। अनुराग को देखकर वैजयंती की हालत और ज्यादा खराब होने लग जाती है, उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। वैजयंती अनुराग को देखते हुए कसकर चीखते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं। ये चीख वैजयंती की आखिरी चीख थी, इसी चीख के साथ वो अपना दम तोड़ देती है।
वो अपने पति ब्रजेश्वर के सीने पर अपना सिर रखकर ही अपना दम तोड़ देती है। वो भी उसी की तरह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती है, जिस तरह ब्रजेश्वर शांत हो गया था। जैसे ही वैजयंती शांत होती है, दिलीप कसकर चीखता है, माँ। उस दिन दिलीप ने सिर्फ अपने पिता को नहीं खोया था, बल्कि पिता के साथ माँ को भी खो दिया था। और सिर्फ दिलीप ने नहीं, बल्कि अनुराग ने भी खो दिया था। उन दोनों के सिर पर से माँ बाप का साया उठ गया था। उस दिन के बाद दिलीप के मन में अनुराग के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जैसा कि यक्षिणी ने अनुराग से कहा था कि वो अनुराग के लिए सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस रात के बाद से अनुराग को यक्षिणी के बारे में कुछ याद नहीं रहा। उसे तो ये भी याद नहीं था कि यक्षिणी कभी उससे मिली थी या नहीं, वो तो उसका नाम तक भूल गया था। जब कोई जाने अनजाने में उसके सामने यक्षिणी का नाम ले लेता था, तब भी उसे यक्षिणी के बारे में कुछ याद नहीं आता था। दिलीप रहकर ब्रजेश्वर और वैजयंती की मौत का जिम्मेदार अनुराग को ही ठहराता था। अनुराग को तो ये भी याद नहीं था कि उस अमावस्या की रात वो घाट के पास गया था भी या नहीं। उसे यही लगता था, सारी रात वो बस ग्रेवयार्ड कोठी में सोते रहा था, और जब सुबह उठा तो एक बुरे हादसे में उसके माँ बाप दोनों की जान चली गई, उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस रात के बाद अनुराग में एक और बदलाव आया था। उसने काला झाड़ी जंगल और घाट पर जाना छोड़ दिया था। जैसा कि यक्षिणी ने अनुराग से वादा किया था, उस रात के बाद यक्षिणी उसे दोबारा फिर कभी नहीं मिली। अनुराग को इस चीज का एहसास भी नहीं हुआ कि यक्षिणी उसके आसपास है। यक्षिणी के जाने के बाद अनुराग ने किताबों को अपना दोस्त बना लिया। उन किताबों की कहानी में ही अपनी जिंदगी को ढूंढने लग गया। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए उसने उन किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया था, जो उसके मरते दम तक आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ने वाली थी। अनुराग दिन भर अपने कमरे में ही रहा करता था और वो किताबें पढ़ा करता था जो उसके पिता ब्रजेश्वर की थी। ब्रजेश्वर को लिखने का शौक भले ही नहीं था, पर पढ़ने का बहुत शौक था। यही कारण था कि उसका पूरा एक कमरा किताबों से भरा हुआ था। अनुराग रोज रात को उसके कमरे में जाता और चार पांच किताबें लेकर आता था। रात ही रात में वो सारी किताबें पढ़कर खत्म कर देता था। उसके अंदर पढ़ने का एक जुनून सवार हो गया था। उसके दिमाग में ये बात बस गई थी कि उसके पिताजी ने कहा था उसे बड़ा होकर एक लेखक बनना है, एक महान लेखक, और वो उनकी राह कदम पर चल पड़ा था। रोज रात को सोने से पहले वो पेन जो उसके पिता ब्रजेश्वर ने उसे दिया था, उससे कुछ न कुछ लिखते रहता था। अनुराग को इस बात का भी आभास था कि उसके पिताजी ने उससे कहा था कि उसे लेखक तो बनना है, पर एक पढ़ा लिखा लेखक, वो लेखक जो अपनी कहानियों से सिर्फ लोगों को कहानियां नहीं सुनाएगा, बल्कि वो बातें बताएगा जो वो जानते तक नहीं होंगे, उन्हें कहानियों के साथ ज्ञान भी देगा। इसलिए वो पढ़ाई भी किया करता था। रोज रात को किताब पढ़कर खत्म करने के बाद सुबह सुबह स्कूल जाया करता था। जब यक्षिणी अनुराग की जिंदगी में थी, तो अनुराग के दो ठिकाने हुआ करते थे, पहला काला झाड़ी जंगल और दूसरा बंगला मुड़ा घाट, क्योंकि वहीं पर यक्षिणी अनुराग से मिलने आया करती थी। यक्षिणी के चले जाने के बाद उसके ये दो ठिकाने भी बदल गए। अब उसके नए दो ठिकाने बन गए थे, पहला उसका कमरा रूम नंबर 666, जहां पर वो किताबें पढ़ा करता था, और दूसरा कुआं, जहां पर उसकी और यक्षिणी की यादें कैद थी। उसे भी नहीं पता था कि वो जगह उसे इतनी पसंद क्यों थी। वो खुद ब खुद उस कुएं की तरफ खींचे चला आता था और शांति के साथ कुएं के पानी को देखते हुए घंटों बिता देता था, और उसे पता भी नहीं चलता था। उस अमावस्या की काली रात के बाद सिर्फ अनुराग नहीं बदला था, बल्कि बल्लू भी बदल गया था। उसका भी अनुराग के प्रति बर्ताव बदल गया था। वो अनुराग की फिक्र करने लग गया था, इसलिए नहीं क्योंकि ब्रजेश्वर ग्रेवयार्ड कोठी अनुराग के नाम करके गया था और अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी का मालिक बन गया था, बल्कि इसलिए कि उसे ब्रजेश्वर से किया हुआ वादा हमेशा याद रहता था कि उसके जाने के बाद बल्लू को ही अनुराग का ख्याल रखना था। यही कारण था कि बल्लू हमेशा अनुराग पर अपनी नजरें जमाए रखता था, अनुराग के बंद कमरे के बाहर पहरा देता था, क्योंकि ब्रजेश्वर की मौत के बाद बल्लू को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अनुराग की जान को खतरा था, बहुत बड़ा खतरा। जब दिलीप को इस बात का पता चला कि ब्रजेश्वर ग्रेवयार्ड कोठी अनुराग के नाम करके गया है, और सिर्फ ग्रेवयार्ड कोठी ही नहीं बल्कि और भी कई जायदाद, तो दिलीप से ये बात सहन नहीं हुई। उसके अंदर का अनुराग के प्रति गुस्सा तो बढ़ा ही, साथ में अपने पिता ब्रजेश्वर के प्रति भी। वो मरने के बाद भी अपने पिता से नफरत करने लग गया, उसे तरह तरह की गालियां देता रहता था और कोसते रहता था। उसे तो लगने लग गया था कि अनुराग उसे नदी के पास नहीं बल्कि ब्रजेश्वर की किसी रखेल का बेटा था। तभी ब्रजेश्वर अनुराग के नाम इतना सब कुछ करके गया था। यही बात सोचते हुए उसके अंदर का गुस्सा अनुराग के प्रति बढ़ने लगा था।
उसे अब ग्रेवयार्ड कोठी में घुटन सी होने लग गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि ब्रजेश्वर के चले जाने के बाद ग्रेवयार्ड कोठी का मालिक वो बनेगा। पर मालिक अनुराग बन चुका था, पर अनुराग ने कभी मालिक वाले हुक्म किए ही नहीं। वो इन सब बातों से अनजान था कि उसके हिस्से में ग्रेवयार्ड कोठी आई थी। वो तो बस अपनी किताबों की कहानियों में डूबा रहता था। दिलीप के समझ नहीं आ रहा था कि दिन भर अनुराग बंद कमरे के अंदर क्या करते रहता था। उसे लगने लग गया था कि अनुराग बंद कमरे के अंदर जादू टोना करता है, क्योंकि कई बार उसने अनुराग को तंत्र मंत्र की गुप्त किताबों के साथ भी देखा था। पर सच्चाई तो ये थी कि अनुराग बस उन किताबों को पढ़ते रहता था, क्योंकि वो अपनी कहानियों के लिए ज्ञान सभी चीजों का लेना चाहता था। अनुराग अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ा करता था, कभी इतिहास से जुड़ी तो कभी धार्मिक किताबें, और सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं बल्कि हर धर्म की, क्योंकि उसके लिए सभी धर्म समान थे। उसके लिए ईश्वर तो सिर्फ उसके पिता थे जो यक्षिणी ने उससे छीन लिए थे। जब से दिलीप ने अनुराग को उन किताबों के साथ देखा था, उसे अनुराग से डर लगने लग गया था, और ये डर वक्त के साथ और बढ़ गया था। उसने अपने बेटे विराट को भी अनुराग से एकदम दूर कर दिया था। वो अपने बेटे विराट को अनुराग को छूने तक नहीं देता था। उसे लगता था कि अनुराग कहीं उसके बेटे को कुछ कर न दे। ब्रजेश्वर और वैजयंती को गुजरे एक साल हो गया था, पर दिलीप का ये डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके अंदर का डर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसे तो अपने साये से भी डर लगने लग गया था। वो अंधेरे में एक पल के लिए भी नहीं रहता था। दिलीप के अंदर का ये बदलाव जानकी ने भी नोटिस कर लिया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति को क्या हो गया था, क्यों वो इतना डरा डरा रहता था। उसने तो कई बाबाओं को, झाड़ फूंक वालों को भी दिखाया था, पर तब भी उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ था। दिलीप को हर पल ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपनी मौत का खौफ सताते रहता था। उसे ग्रेवयार्ड कोठी की दीवारों के साए पर अपनी मौत दिखाई देती थी। यही कारण था कि उसने ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ने का फैसला कर लिया, पर वो अपने परिवार को लेकर कहां पर जाए, यही बात उसके समझ नहीं आ रही थी। उसके हिस्से में खेत तो आए थे, पर उन खेतों में वो अपने 2 साल के बेटे और पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से खेतों में बस खेती हो सकती है, रहा नहीं जा सकता है। दिलीप की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहां पर जाए। जब भी वो ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलता था, उसके अंदर का डर खत्म हो जाया करता था। और उसे भी ये बात समझ आ गई थी कि मसला ग्रेवयार्ड कोठी में रहने का ही था। उसके अंदर के डर की वजह ग्रेवयार्ड कोठी ही थी। वो आज ग्रेवयार्ड कोठी से यही सोचकर निकला था कि वो वापस ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जाएगा, अपने और अपने परिवार के लिए नया ठिकाना ढूंढ कर ही रहेगा। यही कारण था कि वो आधी रात में भी गांव की कच्ची सुनसान सड़कों पर इस वक्त अकेला भटक रहा था। दिलीप बुरी तरह थक चुका था। वो सुबह से निकला था और रात हो गई थी, पर अभी तक उसे कोई ठिकाना नहीं मिला था। पर फिर भी वो चलते जा रहा था। उसने सोच लिया था कि वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। दिलीप थका हारा चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है जिस पर उसकी नजर बचपन से थी। वो उसे बचपन से पाना चाहता था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। दिलीप थका हारा चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिस पर उसकी नजर बचपन से थी। वो उसे बचपन से पाना चाहता था। दिलीप एकटक नजर से उसी चीज को देखते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज उसकी आंखों में उतर गई हो। सिर्फ आंखों में ही नहीं बल्कि मन में भी। उसकी आंखों की पुतली में वो चीज साफ दिखाई देने लग गई थी। उसकी आंखों में कुछ और नहीं बल्कि एक हवेली दिखाई दे रही थी, वो हवेली जो अघोरी की थी। दिलीप इस वक्त आधी रात में कहीं और नहीं बल्कि रोंकामुचा गांव में था, जहां पर अघोरी ने अपने काले जादू से हवेली बनाई थी जिसमें वो काले काम करता था। दिलीप उस हवेली के सामने खड़ा हुआ था। सालों पहले यक्षिणी और अघोरी का आमना सामना हो चुका था। ये उस समय की बात है जब दिलीप का जन्म तक नहीं हुआ था। दिलीप का क्या, उसके दादा उसके परदादा का भी नहीं हुआ था। यक्षिणी और अघोरी की लड़ाई सालों पहले ही हो गई थी। उस लड़ाई में यक्षिणी अघोरी को हरा चुकी थी। अघोरी यक्षिणी से उसके गहने और ताज तो छीनने में कामयाब हो गया था, पर यक्षिणी ने अघोरी को एक काले कुत्ते के रूप में बदल दिया था। उससे उसकी सारी शक्तियां छीन ली थी और अघोरी सालों से उसी रूप में घूम रहा था।
तब से लेकर आज तक वो हवेली खाली ही थी। किसी आदमी ने उसके अंदर कदम तक नहीं रखा था। गांव के सभी लोगों को ये बात पता थी कि अघोरी के पास बहुत सारा धन था। सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे जो उसी हवेली के अंदर गड़े हुए थे, लेकिन गांव के किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस हवेली के अंदर कदम तक रख सके। सभी के मन में अघोरी का खौफ बसा हुआ था। सबके लिए खजाने से प्यारी अपनी जान थी। बचपन से ही दिलीप उस हवेली को देखते हुए आ रहा था और उसने भी उस हवेली से जुड़ी अघोरी की सारी कहानियां सुन रखी थी, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि यक्षिणी ने अघोरी को उस रात काला कुत्ता बना दिया था। दिलीप को भी ये बात पता थी कि उस हवेली के अंदर गुप्त धन छुपा हुआ है। उसके मन में उस गुप्त धन को पाने का कई बार ख्याल आया था, पर रह रहकर वो उस ख्याल को मार देता था क्योंकि उसके मन में डर बसा हुआ था और वो डर था अघोरी का डर। पर आज जब वो उस हवेली के सामने खड़ा हुआ था तो उसके अंदर का सारा डर खत्म हो चुका था, क्योंकि उसे इस हवेली से कहीं ज्यादा डरावनी ग्रेवयार्ड कोठी दिखाई देती थी। जब आपको किसी नई चीज से ज्यादा डर लगने लग जाता है तो पुरानी चीज से डर कम हो जाता है, और आज वही डर दिलीप का खत्म हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था वो हवेली उसे आवाज दे रही हो, उसे अपने पास बुला रही हो। वो हवेली आज उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। दिलीप उस हवेली को देखते हुए डरते हुए खुद से बड़बड़ाता है, नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इस हवेली के अंदर कैसे जा सकता हूँ, ये हवेली तो उस अघोरी की है, अगर वो अंदर हुआ तो मेरा तो किस्सा ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगले ही पल दिलीप कुछ और सोचते हुए कहता है, पर वो अघोरी कैसे आ सकता है, उसे तो सालों से किसी ने भी ना हवेली के अंदर घुसते हुए देखा है और ना बाहर निकलते हुए, हो सकता है वो मर गया हो। एक बार कादम्बरी आंटी ने बताया तो था कि एक अमावस्या को उस अघोरी ने यक्षिणी को बुलाया था और उनके बीच भीषण लड़ाई हुई थी। उसी रात के बाद से अघोरी गायब हो गया था, फिर किसी को नहीं दिखा, वरना वो तो लोगों को सोना चांदी देकर काले काम करवाया करता था जिससे उसकी जादू टोने में मदद हो सके। मुझे तो लगता है यक्षिणी ने उस अघोरी को भी अपना शिकार बना लिया होगा, जैसे वो बाकी के मर्दों को बनाती है। आखिर है तो वो यक्षिणी एक डायन ही ना, वो बहुत खतरनाक है, उस अघोरी से भी ज्यादा खतरनाक। दिलीप जिस कादम्बरी की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कछुए की दादी थी। कछुए की दादी ने ही दिलीप को एक बार अघोरी और यक्षिणी के बारे में बताया था, जब दिलीप उससे हवेली के बारे में पूछ रहा था। दिलीप उस हवेली को देखकर अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, हो सकता है इस हवेली के अंदर ही उस अघोरी ने अपना सारा गुप्त धन छुपा कर रखा हो, वो गुप्त धन जो शायद आज भी इस हवेली के अंदर है। अगर एक बार मेरे हाथ वो गुप्त धन लग गया तो मुझे इस तरह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जिस घर को चाहूंगा वो मेरा हो जाएगा, फिर मुझे अपने परिवार के साथ उस मनहूस ग्रेवयार्ड कोठी में उस पागल अनुराग के साथ भी नहीं रहना पड़ेगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, इतना अमीर कि जिसे चाहे खरीद सको, इस गांव में मेरा ही राज होगा। जब दिलीप गुप्त धन के बारे में सोचता है तो उसका मन हवेली के अंदर जाने का करता है, पर अगले ही पल उसके मन में अघोरी का ख्याल आता था तो वो ख्याल बदल भी जाता था। उसको अघोरी का डर सताने लग जाता है, उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हवेली के अंदर जाए या नहीं। वो हवेली से एक दो कदम आगे निकल जाता था पर फिर दो तीन कदम पीछे करके उसके सामने खड़ा हो जाता था। वो बार बार यही सब कर रहा था और परेशान होते जा रहा था। आखिरकार कई बार सोचने के बाद वो फैसला ले ही लेता है और वो फैसला करता है हवेली के अंदर जाने का। उसका मुख्य कारण ये था कि वो अब किसी भी कीमत पर अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रहना चाहता था। उसके अंदर अनुराग के लिए इतनी ज्यादा नफरत बढ़ गई थी कि उसने अघोरी के लिए जो डर था उसे खत्म कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि हवेली के अंदर उसे जरूर अघोरी का गुप्त धन मिल जाएगा जो हवेली के अंदर छुपा था। इसी उम्मीद के साथ उसने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया था। रात के काले अंधेरे में वो हवेली और ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी मीनारें काली दिखाई दे रही थी, जैसे किसी की काली परछाई उन मीनारों पर पड़ रही हो। दिलीप एक बार उस हवेली को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, एक गहरी सांस लेता है और महाकाल का नाम लेते हुए हवेली के अंदर घुस जाता है। हवेली का गेट खुला ही हुआ था जिस कारण उसे हवेली के अंदर घुसने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब वो हवेली के अंदर घुसता है तो देखता है कि कई सालों से किसी के उस हवेली के अंदर न आने के कारण मकड़ी के जालों ने उस हवेली को अपना घर बना लिया था। हर तरफ मकड़ी के जाल बने थे, ऊपर से हवेली में अंधेरा अलग छाया हुआ था। दिलीप उसी वक्त अपनी जेब से माचिस निकालता है और उसे जलाता है, जिस कारण उसे कुछ चीजें दिखाई देने लग जाती है। अभी दिलीप ने माचिस जलाई ही थी कि तभी उसे उसके हाथ के पास ही रखा लालटेन दिखाई देता है।
दिलीप अपने माचिस से उस लालटेन को जला देता है जिस कारण रोशनी होने लग जाती है। उसे सब चीजें अब साफ दिखाई देने लग जाती हैं। दिलीप एक हाथ से लालटेन पकड़ता है और दूसरे हाथ से मकड़ी के जालों को साफ करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। दिलीप डरते हुए हवेली के अंदर अपने कदम बढ़ाते जा रहा था। दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कालो के काल महाकाल तेरे साथ है दिलीप, डर मत, अपने कदम आगे बढ़ा। दिलीप आगे बढ़, डर मत, खजाना यहीं पर है, ढूंढ उसे दिलीप, ढूंढ। यही सब बड़बड़ाते हुए दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। दिलीप के मन में डर तो था पर खजाना मिलने की आस भी थी। उसी आस के साथ दिलीप डरते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। एक एक करके दिलीप हवेली के हर कमरे की छानबीन करने लग जाता है। हवेली के अंदर छुपा गुप्त धन ढूंढने लग जाता है पर उसे वो गुप्त धन कहीं नहीं मिलता है। आखिर में थक हार कर वो उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहां से उसने हवेली के अंदर गुप्त धन ढूंढना शुरू किया था। दिलीप परेशान होते हुए खुद से कहता है, ये क्या, मैंने तो पूरी हवेली छान मारी पर यहाँ पर तो कोई गुप्त धन है ही नहीं। वो यहाँ पर है भी या नहीं, पर उसे होना तो यहीं पर चाहिए था। आखिर अघोरी यक्षिणी से लड़ने गया था तो वो उस गुप्त धन को अपने साथ थोड़ी लेकर गया होगा, उसे उसकी क्या जरूरत पड़ेगी, वो गुप्त धन यहीं पर होगा। ढूंढ दिलीप उस गुप्त धन को, ढूंढ, वो यहीं पर है। दिलीप एक बार फिर हवेली के हर कमरे में गुप्त धन ढूंढने लग जाता है। गुप्त धन को ढूंढने में वो इतना खो गया था कि अब तो उसके अंदर से अघोरी का डर भी खत्म हो गया था। दिलीप फिर पूरी हवेली छान मारता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता है, उसके हाथ खाली के खाली रहते हैं। दिलीप की समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, अब किस कमरे में जाए और वो गुप्त धन ढूंढे। दिलीप इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसी वक्त उसके सामने अचानक से एक काला कुत्ता आ जाता है। अंधेरे में वो कुत्ता कहां से आ गया था ये उसे पता भी नहीं चला था। एक पल के लिए दिलीप उस काले कुत्ते को देखकर डर जाता है पर अगले ही पल उसे अपने हाथ से भगाते हुए कहता है, हट हट। उसी वक्त वो काला कुत्ता अपने जंगली दांत बाहर निकालकर दिलीप पर गुर्राते हुए भौंकने लग जाता है। उस कुत्ते के दांत देखकर दिलीप डरने लग जाता है। उसे कुत्ते के काटने का डर सताने लग जाता है और वो भागने लग जाता है। वो कुत्ता दिलीप का पीछा छोड़ता नहीं है बल्कि उसी के पीछे भागने लग जाता है। दिलीप तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और फट से एक कमरे के अंदर घुसकर उसका दरवाजा लगा देता है। जैसे ही दिलीप उस कमरे के अंदर घुसता है वो कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। दिलीप उस कुत्ते के डर के कारण एकदम कमरे के अंदर घुस गया था। दिलीप उस कमरे के अंदर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस कमरे के एक और दरवाजे पर पड़ती है जिस पर उसकी नजर पहले दो बार छानबीन करने पर नहीं पड़ी थी। दिलीप उस दरवाजे को देखते हुए कहता है, ये कौन सा दरवाजा है, पहले तो मुझे दिखाई नहीं दिया था। दिलीप अगले ही पल उस दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहा था वो जगह संकरी होती जा रही थी। वो रास्ता दिलीप को कहीं और नहीं बल्कि तहखाने के अंदर ले जा रहा था, वही तहखाना जिसके अंदर बैठकर अघोरी जादू टोना किया करता था, अपने काले कामों को अंजाम दिया करता था। जब दिलीप तहखाने के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि उस तहखाने के अंदर कई प्रकार का काले जादू का सामान रखा हुआ था और उसी तहखाने के अंदर बीचों बीच एक संदूक रखा हुआ था। दिलीप की नजर उसी संदूक पर गड़ी हुई थी। दिलीप उस संदूक को देखकर खुश हो जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दिलीप खुश होते हुए कहता है, मिल गया, मिल गया, मैंने अघोरी का गुप्त धन ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया उसे। दिलीप तुरंत उस संदूक के पास जाता है। वो देखता है कि उस संदूक की चाबी पहले से उसके अंदर लगी हुई थी। दिलीप झट से उस संदूक को खोलता है। संदूक के खुलते ही उसके चेहरे की सारी रौनक गायब हो जाती है, उसका चेहरा उतर जाता है। उस संदूक के अंदर कुछ और नहीं बल्कि किताब रखी हुई थी, अघोरी के जादू टोने की काली किताब। दिलीप मायूसी के साथ कहता है, ये क्या, ये संदूक तो खाली है, इसके अंदर तो गुप्त धन है ही नहीं जिसकी मुझे तलाश थी, इस पुरानी बेकार किताब का क्या करूंगा मैं, आखिर उस अघोरी ने इसे यहाँ पर इतना संभाल कर क्यों रखा है। यही सब कहते हुए दिलीप उस किताब को उठाता है और उसके पेज पलटाने लग जाता है। ये वही किताब थी जिसके अंदर अघोरी ने अपने काले जादू टोना करने के तरीके लिखे हुए थे, साथ में यक्षिणी को कैसे काबू किया जा सकता है, कैसे कैद किया जा सकता है, सब कुछ लिखा हुआ था। वो किताब अघोरी ने ही लिखी थी, वो एक संग्रह तैयार कर रहा था, काले जादू के तरीकों का संग्रह। दिलीप उस किताब के पेज पलटा ही रहा था कि तभी उस किताब में से एक सफेद कागज नीचे गिरता है।
दिलीप तुरंत उसे उठाता है और उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक नक्शा बना हुआ था, वही नक्शा जो अमोदिता के हाथ लगा था। दिलीप खुद से बड़बड़ाता है, ये किस चीज का नक्शा है? दिलीप उस नक्शे को देखते हुए कहता है, देखने से तो ये किसी खुफिया जगह का नक्शा लगता है, और ये मेहंदी पथार का ही है, कहीं यही जगह तो नहीं है जहाँ पर अघोरी ने अपना गुप्त धन छुपा कर रखा हुआ है? दिलीप खुद से बड़बड़ाता है, हाँ यही जगह होगी, तभी तो इस नक्शे को यहाँ पर इस संदूक के अंदर छुपा कर रखा गया था, जरूर इसे अघोरी ने यहाँ पर रखा होगा। दिलीप अगले ही पल उस नक्शे में जो जगह थी वहां पर जाने लग जाता है। वो इतनी फुर्ती के साथ तहखाने के बाहर निकलता है कि कुत्ते के बारे में भूल ही जाता है। कमरे के बाहर निकलने पर उसे वो काला कुत्ता भी दिखाई नहीं देता है जो उस पर भौंक रहा था। दिलीप का भी उस कुत्ते पर ध्यान नहीं जाता है और नक्शे में जो जगह थी उस तरफ अपने कदम बढ़ाते रहता है। नक्शे के मुताबिक चलते चलते दिलीप उस जगह पर आ पहुंचता है जहां पर अघोरी ने यक्षिणी की तरह दिखने वाली 5 मूर्तियां बनाई थी। यक्षिणी को मूर्ति में कैद करने के लिए नक्शे में सबसे आसान रास्ता था उस जगह पर पहुंचने का, जिस कारण दिलीप को वहां पर पहुंचने के लिए किसी मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ता है, कोई पड़ाव पार नहीं करना पड़ा था जो युग और उसके दोस्तों को करना पड़ा था वहां पर पहुंचने के लिए। दिलीप उस जगह पर आकर दंग रह गया था, वो आज से पहले इस जगह पर कभी नहीं आया था, ना ही उसने ऐसी जगह पहले कभी देखी थी। वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस जगह को देखे जा रहा था। दिलीप उस जगह को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये कौन सी जगह है? नक्शे में तो यहीं पर आना था, पर यहाँ पर तो मुझे कहीं भी गुप्त धन दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर वो कहाँ पर है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। दिलीप उस जगह को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये कौन सी जगह है? नक्शे के मुताबिक तो यहीं पर आना था, पर यहाँ पर तो मुझे कहीं भी गुप्त धन दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर वो कहाँ पर है? दिलीप अपने आसपास देखने लग जाता है पर उसे कहीं भी ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं देती है जहाँ पर खजाना हो। उसे अपने आसपास कोई संदूक भी दिखाई नहीं देता है जिसके अंदर अघोरी का गुप्त धन छुपा हुआ हो। दिलीप फिर से निराश हो जाता है, उसे अपने आप पर गुस्सा आने लग जाता है कि उसने इतनी मेहनत करी थी पर तब भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था, वो अभी भी खाली हाथ ही था। दिलीप खुद को कोसते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, कोई गुप्त धन है ही नहीं, मैं ही पागल था जो गुप्त धन के लालच में यहाँ पर आ गया। यही सब कहते हुए दिलीप वहां से वापस जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहां पर लकड़ी से बनी 5 मूर्तियां थी। वो उनके पास जाता है और उसे देखता है तो उसकी नजर उनमें से एक मूर्ति पर पड़ती है और वो देखता है कि वो एक मूर्ति उन 5 मूर्तियों में से कुछ अलग थी। उसको देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो नोटिस करता है कि देखने में तो सभी मूर्तियां एक सी लग रही थी, लेकिन वो वाली जो मूर्ति थी वो कुछ अलग थी। उस वाली मूर्ति में यक्षिणी का निखार और ज्यादा निखर कर सामने आ रहा था। उसे एकटक नजर से देखने पर तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो कोई मूर्ति नहीं, वहां पर सच में यक्षिणी हो। दिलीप उस मूर्ति में एक और बात नोटिस करता है कि उस मूर्ति के कान में एक झुमका था, सोने का झुमका जो अंधेरे में और ज्यादा चमक रहा था। उस सोने के झुमके को देखकर दिलीप की आंखें चौंधिया गई थी। अब उसे लगने लग जाता है कि वो एकदम सही जगह पर आया था, हो न हो अघोरी ने गुप्त धन वहीं कहीं छुपाया था। उसे उसके अंदर से आवाजें आने लग जाती हैं। उसका मन बार बार यही कहने लग जाता है कि अघोरी का गुप्त धन वही है, बस उसे ढूंढने मात्र की देर है। दिलीप बौखलाहट के साथ उस मंदिर में से वो झुमका निकाल लेता है और अगला झुमका निकालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। अभी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी वो देखता है कि उस मूर्ति के कान में दूसरा झुमका नहीं था। दिलीप उस मूर्ति को देखते हुए कहता है, ये क्या, इस मूर्ति का एक झुमका तो गायब है, दूसरा झुमका कहाँ पर गया? दिलीप ने इतना कहा ही था कि तभी उसके हाथ में जो पहला झुमका था वो भी उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है।
दिलीप जब उस झुमके को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो देखता है कि जहाँ पर पहला झुमका गिरा हुआ था उसके पास ही दूसरा जोड़ी झुमका भी गिरा हुआ था। दिलीप खुश होते हुए कहता है, मिल गया दूसरा झुमका भी। दिलीप अगले ही पल दोनों झुमकों को उठा लेता है और जब वो उन दोनों झुमकों को उठाकर एक बार फिर मूर्ति को देखता है तो उसे वो मूर्ति अधूरी अधूरी सी लगती है, जैसे उस मूर्ति में कोई कमी हो। दिलीप के मन में न जाने क्या आता है, वो झुमके वापस से उस मूर्ति के कान में लगाने लग जाता है। जैसे ही दिलीप उस मूर्ति के कान में दोनों झुमके लगाता है वो देखता है कि उसके सामने जो सकरी नदी बह रही थी वो दो हिस्सों में बंटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस नदी को तलवार से दो हिस्सों में काट रहा हो। ये सब देखकर दिलीप की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। देखते ही देखते वो नदी दो हिस्सों में बंट जाती है। दो हिस्सों में बंटने के बाद भी उसका पानी बहते जा रहा था लेकिन बीच वाले हिस्से में नहीं आ रहा था, वो जगह खाली थी। जैसे पानी दो हिस्सों में बंटता है दिलीप को उस नदी के बीचों बीच एक संदूक दिखाई देता है। दिलीप अगले ही पल भागते हुए उस संदूक के पास जाने लग जाता है। वो बौखलाहट के साथ उस संदूक के पास पहुंचता है और उसे खोलने लग जाता है। जब दिलीप उस संदूक को खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो संदूक हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरा हुआ था। दिलीप इतने सारे धन को एक साथ देखकर पगला जाता है और पागलों की तरह चीखते हुए कहता है, मिल गया मुझे अघोरी का गुप्त धन। दिलीप उस संदूक में से सोना चांदी बाहर निकालने लग जाता है। दिलीप उस संदूक से लगातार धन बाहर निकालते जा रहा था। वो बड़ी फुर्ती के साथ उस संदूक को खाली करने में लगा हुआ था, जैसे उसने सोच लिया हो कि वो उस संदूक को खाली करके ही रहेगा, उसके अंदर एक सोने का सिक्का तक नहीं छोड़ेगा। दिलीप उस संदूक को खाली करने में लगा ही हुआ था कि तभी उसके अंदर का सामान निकालते हुए उसके हाथ दुखने लग जाते हैं। उसके हाथों में दर्द होने लग जाता है, वो थकने लग जाता है। दिलीप उस संदूक के अंदर का सामान बाहर निकाल ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि वो संदूक में से सामान तो बाहर निकाल रहा था पर उसके अंदर का सामान कभी नहीं हो रहा था, बल्कि वो अभी भी उतना ही था जितना तब था जब उसने संदूक को खोला था। दिलीप की समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। उसे लग रहा था ये उसका कोई वहम है, इसी वजह से वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है बल्कि हाथ दर्द होने के बावजूद भी संदूक के अंदर का सामान बाहर निकालते रहता है। पर कुछ ही देर में उसे इस चीज का एहसास हो जाता है कि ये सब उसका वहम नहीं था बल्कि हकीकत में संदूक का सामान कम नहीं हो रहा था, वो उतने का उतना ही था। अगले ही पल दिलीप को समझ आ जाता है कि उसके हाथ में जो संदूक लगा था वो कौन सा संदूक था। वही संदूक जिसकी उसने बचपन में उसकी माँ से कहानियां सुनी थी पर कभी यकीन नहीं किया था। हम कहानियों को तब तक झूठा मानते हैं जब तक वो कहानी हमारे साथ घटित नहीं हो जाती है और आज दिलीप भी अनंत संदूक वाली कहानी पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया था। उसके हाथ आखिर अनंत संदूक जो लग गया था। दिलीप खुश होते हुए कहता है, ये क्या, मेरे हाथ तो अनंत संदूक लग गया, वो अनंत संदूक जिसका खजाना कभी खाली नहीं होता। दिलीप पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। दिलीप खुशी से पगला गया था, पागल होता भी कैसे नहीं, उसके हाथ अनंत संदूक जो लग गया था। दिलीप उस अनंत संदूक को देखते हुए कहता है, मैं करोड़पति बन गया, मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, मुझसे अमीर कोई नहीं। मैं ये सब कुछ ले जाऊंगा, ये अनंत संदूक भी, ये सब कुछ मेरा है, मेरा है। दिलीप पागलों की तरह हंसते हुए खुद के ऊपर अभिमान कर ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आ जाता है। उस ख्याल से वो परेशान हो जाता है। अनंत संदूक मिलने से उसके चेहरे पर जितनी रौनक आई थी धीरे धीरे वो रौनक उसके चेहरे पर से उड़ने लग गई थी। दिलीप परेशान होते हुए खुद से कहता है, नहीं नहीं, अगर मैं इस संदूक को यहाँ से कहीं और ले गया और किसी की इस पर नजर पड़ गई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, ये संदूक उसके हाथ लग सकता है और मैं नहीं चाहता ये संदूक मेरे सिवा किसी और के भी हाथों लगे, इसलिए मैं इस संदूक को यहीं पर रखूंगा, यहाँ से कहीं नहीं ले जाऊंगा, यह इसकी सही जगह है। दिलीप अपना दिमाग और दौड़ाते हुए फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं धीरे धीरे इसके हीरे जवाहरात यहाँ से निकालते रहूंगा, जैसे जैसे मुझे इसकी जरूरत पड़ती जाएगी, एक साथ ज्यादा धन ले जाने में भी दिक्कत है। हाँ हाँ, मैं धीरे धीरे ये सब कुछ करूंगा, सब्र से काम ले दिलीप, सब्र से काम ले। जैसा दिलीप ने सोचा था उसने वैसा ही किया, उसने उस अनंत संदूक को वहीं पर रहने दिया, वहां से वो उसे कहीं भी नहीं ले गया। उसने उस अनंत संदूक के बारे में किसी को भी नहीं बताया, अपनी पत्नी जानकी को भी नहीं,
जिससे वो प्यार करने लग गया था। दिलीप ने उस अनंत संदूक को उसके अंदर के गुप्त धन की तरह गुप्त ही रखा। उसके बाद दिलीप ने वो नक्शा जो उसके हाथ लगा था उसे हवेली में तहखाने के अंदर संदूक के अंदर ही रख दिया था और साथ ही उस मूर्ति में के झुमके को भी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो मूर्ति एक ताला थी और वो झुमका उस ताले की चाबी जिससे नदी का द्वार खुलता था और अनंत संदूक दिखाई देता था। दिलीप के हाथों वो अनंत संदूक ऐसे ही नहीं लग गया था। इन सब चीजों के पीछे एक साजिश थी, एक सोची समझी साजिश, और वो साजिश किसी और की नहीं बल्कि अघोरी की थी। वो कुत्ता जो हवेली के अंदर दिलीप पर भौंक रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि अघोरी ही था, जिसे यक्षिणी ने कुत्ता बना दिया था। अघोरी जानबूझकर दिलीप पर भौंकते हुए उसे कमरे तक ले गया था ताकि उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ जाए। वो जानता था कि अगर दिलीप एक बार तहखाने तक पहुंच गया तो उसकी नजर तहखाने में रखी संदूक पर जरूर पड़ेगी, क्योंकि वो गुप्त धन ही ढूंढ रहा था। सालों बाद अघोरी को कोई ऐसा मिला था जो उसे यक्षिणी के श्राप से मुक्ति दिलाकर वापस से इंसान रूप दिला सकता था, इसलिए अघोरी ने आसानी से दिलीप को हवेली के अंदर घुसने दिया था, उसे वहां तक ले गया था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा अघोरी ने सोचा था। दिलीप ने त्रिकोण हवन कुंड का कभी उपयोग किया ही नहीं, जिस कारण अघोरी का श्राप टूट नहीं पाया, पर उसकी ये मेहनत बर्बाद नहीं हुई। सालों बाद अमोदिता की नजर जब उस अनंत संदूक पर पड़ी और उसके हाथों संदूक में रखा हुआ नक्शा और झुमका लगा और वो अनंत संदूक के पास पहुंची। अमोदिता ने ही अघोरी को यक्षिणी के श्राप से छुटकारा दिलाया था जाने अनजाने में। अघोरी जो काम दिलीप के हाथों नहीं करवा पाया था वो अमोदिता ने कर दिया था। जब अनंत संदूक दिलीप के हाथ लग गया तो धीरे धीरे करके उसने उसका खजाना निकालना शुरू कर दिया और जानकी की भी उस खजाने के हीरे जवाहरातों गहनों पर नजर भी पड़ी और उसने दिलीप से पूछा भी उसके पास इतना सब कुछ कहां से आया। पर दिलीप ने जानकी को कुछ नहीं बताया, बस गुस्से के साथ कह दिया कि अपने काम से काम रखे वरना उसे हमेशा हमेशा के लिए उसके मायके छोड़कर आ जाएगा और अपने लिए एक नई घरवाली ले आएगा जो उससे कुछ नहीं पूछा करेगी। उस दिन के बाद से जानकी की फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो दिलीप से कुछ पूछ सके। दिलीप हीरे जवाहरात गहने अनंत संदूक में से निकाल कर लाता था और जानकी को दे दिया करता था और एक आदर्श पत्नी की तरह वो भी अपने पति से बिना कोई सवाल किए उन गहनों को अपने पास संभाल कर रख लिया करती थी। सुदेश की भी इन सब चीजों पर नजर पड़ गई पर उसके भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने जीजा से कुछ पूछ सके। वो जानता था दिलीप से सवाल जवाब करना मतलब आफत को दावत देना, इसलिए वो दोनों बहन भाई सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे। उस दिन के बाद दिलीप कई बार हवेली में अकेला गया और जब भी वो उस हवेली में जाता था उसे उस हवेली में एक अपनापन लगता था। डर का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, उसे ऐसा लगता था जैसे वो हवेली उसी के लिए बनी हो, वही उस हवेली का मालिक हो और कई सालों से वो हवेली खुद अपने मालिक की तलाश कर रही थी और उस हवेली ने ही उसे अपनाया हो। जब से उसके हाथ अनंत संदूक लगा था हवेली के प्रति उसका डर भी खत्म हो गया था। उसने सोच लिया था कि वो इस हवेली को ही अपना ठिकाना बनाएगा, अपना घर बनाएगा। दिलीप ने अपने पैसों के दम से वापस से हवेली को चमका दिया था, उसे रहने लायक बना दिया था। दिलीप अपनी पत्नी बच्चे और साले के साथ हवेली में रहने के लिए आ गया। इस बार जानकी और सुदेश ने दिलीप से सवाल तो पूछे पर हर बार की तरह इस बार भी दिलीप ने उनके सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। सीधे कह दिया या तो मेरे साथ हवेली में रहने चलो या फिर इस पागल अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में रहो, पर वो ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रहने वाला था। जानकी और सुदेश क्या करते, वो लोग दिलीप के साथ जाने के लिए मजबूर थे। वो उसके साथ उस रिश्ते की डोर से बंधे हुए थे जिसे वो चाहते हुए भी तोड़ नहीं सकते थे। वो भी दिलीप के साथ ही हवेली में रहने के लिए चले गए पर बल्लू नहीं गया, वो अनुराग के साथ ही रहा क्योंकि उसे ब्रजेश्वर से किया हुआ वादा याद था। इस बात से दिलीप बल्लू से बहुत नाराज था कि वो उसका पुश्तैनी नौकर होकर अनुराग के साथ रह रहा था। उसे बल्लू में से गद्दारी की बू आ रही थी। कुछ ही महीनों दिन में दिलीप के रंग बदल गए, उसने गांव में ही कई जमीन और खेत भी खरीदे। गांव वाले भी ये सोचकर हैरान थे कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। जब दिलीप के पास पैसे आए तो उसके कई पैसे वाले दोस्त भी बने जिनमें से दो रोंगकामुचो और बंगलामुड़ा गांव के सरपंचों के बेटे रतन पाली और भूपेंद्र बख्शी थे। जहां एक ओर दिलीप अमीर पर अमीर बनते जा रहा था वहीं दूसरी तरफ अनुराग गरीब पर गरीब होते जा रहा था। ब्रजेश्वर उसके लिए जो पैसा छोड़कर गया था वो भी खत्म होने लग गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेचारा करता भी तो क्या, अभी तो उसकी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई थी, वो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। अनुराग ने कई बार बल्लू से बोला कि वो दिलीप के पास रहने के लिए चले जाए पर बल्लू नहीं गया। बिना कोई भत्ते के अनुराग की सेवा करता गया।
कई बार तो वो अपनी जेब खर्च से राशन ले आता था। कहते हैं वक्त अच्छा हो या बुरा दोनों गुजर ही जाता है, और अनुराग का बुरा वक्त भी गुजरने वाला था। 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में एक नया पड़ाव आया, वो पड़ाव जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कहते हैं वक्त अच्छा हो या बुरा दोनों गुजर ही जाते हैं, और अनुराग का बुरा वक्त भी गुजरने वाला था। 6 महीने बाद उसकी जिंदगी में एक नया पड़ाव आया, वो पड़ाव जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। अनुराग ने 12वीं क्लास के जो एग्जाम दिए थे उसके रिजल्ट आ गए थे, जिसमें वो सिर्फ पास नहीं हुआ था बल्कि अपने क्षेत्र में टॉप भी किया था। अनुराग ने टॉप कैसे किया था ये बात उसे भी पता नहीं चली थी। वो तो खुद बहुत कम अपनी कोर्स की किताब पढ़ता था, पर जब भी पढ़ता था तो उन कोर्स की किताबों को भी कहानियों के रूप में अपने मन में बसा लेता था, जिससे उसे सब कुछ आसानी से याद हो जाया करता था। यही कारण था कि उसने अपने क्षेत्र में टॉप कर दिया था। क्षेत्र में टॉप करने के कारण आगे की पढ़ाई के लिए उसको स्कॉलरशिप मिलने का प्रबंध हो गया था, पर आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर जाना पड़ रहा था, जो वो नहीं चाहता था। वो ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ना नहीं चाहता था, पर अपने सपनों के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। सफलता कुर्बानी मांगती है। अनुराग को एक बड़ा लेखक बनना था, और वो ये बात अच्छे से जानता था कि सिर्फ गांव में रहकर वो लेखक नहीं बन सकता था। जिस जगह वो रहता था वहां पर तो उसे पढ़ने के लिए किताबें भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। कई बार तो किताबें लेने के लिए उसे मेहंदी पथार के बाहर दूसरे शहर जाना पड़ता था। ऐसे में वो वहां पर रहकर लेखक कैसे बनता भला। अनुराग को लेखक बनने के लिए एक लंबा सफर तय करना था, इसलिए वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने का फैसला कर लेता है, जहाँ पर उसके रहने खाने पीने और पढ़ाई का खर्चा सब स्कॉलरशिप पर आसानी से हो सकता था। जब अनुराग ने बल्लू को बताया कि उसने अपने क्षेत्र में टॉप किया है, तो बल्लू खुशी से फूले नहीं समाता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। उसे अनुराग पर बहुत गर्व होने लग जाता है। होता भी कैसे नहीं, अनुराग ने काम ही कुछ ऐसा किया था। उसकी आंखें ये सोचकर नम हो जाती हैं कि अगर ब्रजेश्वर इस वक्त जिंदा होता तो ये बात सुनकर कितना खुश होता, उसे अनुराग पर कितना अभिमान होता। पर अगले ही पल बल्लू के चेहरे की सारी रौनक चली जाती है, उसका चेहरा उतर जाता है, जब अनुराग उसे बताता है कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए अपना गाँव छोड़कर शहर जाना पड़ रहा था। बल्लू जानता था कि अनुराग उसे अपने साथ शहर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि स्कॉलरशिप पर सिर्फ अनुराग का ही शहर में गुजारा हो सकता था, बल्लू का नहीं। इसलिए बल्लू खुशी खुशी अनुराग को शहर जाने के लिए कह देता है, और साथ में ये भी कहता है, आप जाइए अनुराग मालिक, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, मैं हूँ ना यहाँ पर। ग्रेवयार्ड कोठी का ख्याल मैं रखूंगा आपके आने तक, आप निश्चिंत होकर जाइए। अनुराग जानता था कि बल्लू अकेले ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रह सकता, रहता भी कैसे। ग्रेवयार्ड कोठी में तो अब खाने पीने का राशन भी लगभग खत्म ही हो चुका था। बल्लू के पास कोई दूसरा सोर्स भी नहीं था जहाँ से वो कमा कर खा पी सके। वो तो बहुत पहले से ही ब्रजेश्वर के रहमो करम पर जीते आ रहा था। अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की गुलामी में लगा दी थी उसने, सिर्फ उसने ही नहीं बल्कि उसके पूर्वजों ने भी। एक प्रकार से वो सब बंधुआ मजदूर ही थे, जिनकी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बाद अपने मालिकों की सेवा करती रहती थी। अनुराग बल्लू से बड़े प्यार से कहता है, नहीं बल्लू काका, आप ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले नहीं रहेंगे, अब यहाँ पर बचा ही क्या है। मुझे अच्छे से पता है आप यहाँ पर मेरे लिए ही रुके हुए थे, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी देखरेख करने के लिए, पर अब तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर रुककर क्या करेंगे। बल्लू कहता है, पर मैं यहाँ से कहाँ पर जाऊँगा अनुराग मालिक, आप ही ने तो कहा कि मैं आपके साथ शहर नहीं चल सकता, वरना मैं तो आपका साथ कभी छोड़ता ही नहीं, आपके साथ ही शहर चल देता। अनुराग जवाब देता है, आप मेरे साथ नहीं चल सकते तो क्या हुआ बल्लू काका, पर आप दिलीप भैया के साथ तो जा सकते हैं ना, वो भी तो आपके मालिक ही है ना। बल्लू अनुराग की बात में हामी भरते हुए कहता है, वो तो है मालिक, पर मैं कैसे उनके पास जा सकता हूँ, मुझे तो बड़े मालिक ने आपकी। बल्लू अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अनुराग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, मुझे पता है बल्लू काका कि पिताजी ने जाने से पहले आपको मेरा ख्याल रखने के लिए कहा था, पर अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मेरा नहीं बल्कि दिलीप भैया का ख्याल रखना है, उनके परिवार की देखरेख करनी है,
मैं अपना ख्याल अब खुद रख सकता हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। बल्लू अनुराग से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी अनुराग फिर बोल पड़ता है, बल्लू काका प्लीज मेरे लिए, आप मुझे अपना मालिक कहते हैं ना, तो आप अपने मालिक की बात नहीं मानेंगे। बल्लू खामोश रहता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। अनुराग फिर कहता है, मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा पर मेरा मन यहीं पर लगा रहेगा। दिलीप भैया भले ही मुझे अपना भाई न माने पर मैं उन्हें अपने सगे भाई से भी ज्यादा चाहता हूँ। विराट से भी मुझे बहुत लगाव है, मैं भी उसे अपने बेटे की तरह ही मानता हूँ। और जानकी भाभी, वो तो माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी, मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद आप उन्हीं के साथ रहें। दिलीप भैया और उनके परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करते रहे, सिर्फ सेवा ही नहीं बल्कि वहाँ पर रहकर पल पल की खबर मुझ तक पहुँचाते रहे ताकि उनका हाल चाल शहर में रहकर भी मुझे पता चलता रहे। एक पल के लिए अनुराग के दिल में दिलीप और उसके परिवार के प्रति अनुराग का प्यार देखकर बल्लू की आंखें भर आई थी। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, काश अनुराग ब्रजेश्वर का सगा बेटा होता और वो हमेशा उसी की सेवा कर सकता। अनुराग के इतना सब कुछ कहने के बाद भी बल्लू अनुराग की बात मानने में आनाकानी करते हुए कहता है, पर अनुराग मालिक, अगर मैं भी यहाँ से चले गया तो फिर इस ग्रेवयार्ड कोठी का ख्याल कौन रखेगा, और फिर जब आप लौट कर आएंगे तब क्या? अनुराग जवाब देता है, मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाला बल्लू काका। बल्लू मायूसी के साथ कहता है, क्या कहा मालिक, आप वापस नहीं आएंगे? अनुराग बल्लू को समझाते हुए कहता है, बल्लू काका मैंने कहा मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगा, आऊंगा पर कब ये मुझे नहीं पता, 3 साल लग जाएंगे, तब तक आप इस ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले क्या करेंगे, इसलिए आप दिलीप भैया के पास चले जाइए। और रही इस ग्रेवयार्ड कोठी की देख रेख की बात, तो ये कोठी खुद अपना ख्याल रख लेगी, जिस तरह कहानियां अपना ख्याल खुद रखती हैं। बल्लू हिचकिचाहट के साथ कहता है, क्या कहा आपने अनुराग मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। अनुराग हंसते हुए ही कहता है, आप नहीं समझेंगे बल्लू काका, आप लेखक नहीं है ना। बल्लू कहता है, सही कहा आपने मालिक, एक लेखक की बात तो सिर्फ उसके पाठक ही समझ सकते हैं, आप एक दिन बहुत बड़े लेखक बनेंगे अनुराग मालिक, देखना आप। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, लेखक बनने ही तो शहर जा रहा हूँ मैं बल्लू काका, पढ़ने थोड़ी, बस आप यहाँ पर मेरे परिवार का ख्याल रखना जो हवेली में रहता है, मैं भी आपको अपनी खबर देते रहूंगा, मेरी फिक्र मत करना। ना चाहते हुए भी अनुराग के लाख कहने पर बल्लू को अनुराग की बात आखिर में माननी ही पड़ती है और वो अगले ही दिन दिलीप के पास उसकी हवेली में उसके साथ रहने के लिए चले जाता है। पहले तो दिलीप बल्लू को अपने साथ रखने से मना कर देता है पर जब उसे पता चलता है कि बल्लू उसके बहुत काम का आदमी है तो वो उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। अनुराग अभी 17 साल का ही हुआ था जिस कारण यक्षिणी उसके सामने नहीं आ रही थी। यक्षिणी ने अनुराग से वादा किया था कि वो तभी अब उससे मिलेगी जब अनुराग की मौत का वक्त आ जाएगा। यक्षिणी को मुक्ति चाहिए थी इसलिए यक्षिणी भी अनुराग को ग्रेवयार्ड कोठी से जाने से नहीं रोक पाती है, उसे उसकी बाकी की बची जिंदगी अच्छे से जीने देती है। उसे लग रहा था कि कुछ ही साल में अनुराग वापस आ जाएगा। अपने अभिशाप के कारण यक्षिणी भी उस जगह पर बंद गई थी जिस कारण वो भी अनुराग के साथ नहीं जा पाती है। अनुराग अकेले ही अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर निकल पड़ता है। लोग शहर जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनने के लिए, पढ़ लिख कर अच्छी सी सरकारी नौकरी पाने के लिए, पर अनुराग शहर जा रहा था एक लेखक बनने के लिए। उसके सपने बाकी लोगों के सपनों से काफी अलग थे। उसे भी इस बात की खबर नहीं थी कि उन सपनों को सच करने के लिए वो मेघालय से कोसों दूर दिल्ली आ जाएगा। फॉर्म तो उसने कई कॉलेज के भरे थे पर उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुआ था, वहीं से वो जर्नलिज्म में बीए कर रहा था। एक लेखक बनने के लिए उसे यही कोर्स सबसे सही लगा था क्योंकि जिस तरह एक जर्नलिस्ट कई सवाल जवाब पूछता है उसी तरह एक लेखक अपनी कहानी के पात्रों से सवाल करते रहता है, उनको कटघरे में खड़े करता रहता है जिसके जवाब उसी के पास मौजूद होते हैं। एक साल तो अनुराग को बस दिल्ली को जानने, वहाँ के तौर तरीके समझने और वहाँ पर जमने में लग गया था। लगता भी कैसे नहीं, वो पहली बार मेहंदी पठार से बाहर जो निकला था वो अपने सपनों को सच करने के लिए कोसों दूर आ गया था। अनुराग दिल्ली में ही एक किराए के टीन के मकान में रहता था, उसी कमरे को उसने किताबों से सजा दिया था। उसका कमरा सेकंड हैंड किताबों से भरा हुआ था। जब भी उसके पास पैसे बचते थे वो दरियागंज से कोई सा पुरानी जासूसी उपन्यास खरीद लिया करता था। दिल्ली शहर आकर भी अनुराग बिल्कुल नहीं बदला था। अनुराग कॉलेज भी जाता था तो सिर्फ एग्जाम देने के लिए, वरना वो अपने कमरे में ही दिन भर बैठकर किताबें पढ़ते रहता था, कहानियां गढ़ते रहता था। यही कारण था कि 1 साल होने के बावजूद भी अनुराग का कॉलेज में कोई दोस्त नहीं बन पाया था। वो बात भी लोगों से कम किया करता था,
अक्सर कई लेखकों को लोगों से कम और अपनी कहानियों से बात करने में ज्यादा मजा आता था। अनुराग भी उन्हीं लेखकों में से एक था। उसके लिए आज भी कहानियां ही उसकी दुनिया थी, जो उम्र भर के लिए रहने वाली थी। अनुराग के कॉलेज में ही उसके एक टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर स्टीफन। मिस्टर स्टीफन ही थे जो अनुराग को बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे से समझने लग गए थे। वो जान गए थे कि अनुराग के अंदर एक महान लेखक बनने की प्रतिभा है। उन्हें अनुराग के अंदर का लेखन के प्रति जोश और जुनून साफ नजर आता था। मिस्टर स्टीफन अनुराग को इसलिए इतने अच्छे से जान पाए थे क्योंकि मिस्टर स्टीफन ही अनुराग के मकान मालिक थे। अनुराग कहीं और नहीं बल्कि उनके ही घर की छत पर बने टिन के शेड में रहा करता था। जब भी मिस्टर स्टीफन का छत पर जाना होता था, वो उसकी खुली खिड़की से देखते थे कि अनुराग अपने कमरे में हमेशा या तो उन्हें कोई नई सी किताब पढ़ते हुए दिखता या फिर कुछ लिखते हुए दिखता था। मिस्टर स्टीफन को अनुराग पसंद तो था, बस उसकी एक आदत बुरी लगती थी कि वो कभी अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था। किताबी कीड़ा बनकर रहता था, जिस कारण उसके दोस्त बिल्कुल बन ही नहीं पाए थे। मिस्टर स्टीफन ने अनुराग से कई बार बोला था कि वो लोगों से मिला करे, हफ्ते में एक दो दिन कॉलेज जाया करे, जिससे उसके दोस्त बन सके। जीवन में दोस्त बहुत जरूरी होते हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, पर अनुराग ने उनकी एक नहीं सुनी। वो अपनी कहानियों में मगन रहता था। कमरे से बाहर भी निकलता था तो सिर्फ चाय पीने के लिए, जो उसे बाहर की ही अच्छी लगती थी। मिस्टर स्टीफन के बार बार कहने पर भी जब अनुराग नहीं माना तो मिस्टर स्टीफन को अनुराग के साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। उन्होंने उससे कहा कि अगर वो कॉलेज नहीं गया तो उसे इस बार एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। मिस्टर स्टीफन का कॉलेज में अच्छा रौब था, कई टीचर उन्हीं की बात माना करते थे, जिस कारण अनुराग को ना चाहते हुए भी सेकेंड ईयर से कॉलेज जाना पड़ रहा था। अनुराग ने कॉलेज जाना तो शुरू कर दिया था, पर उसके नेचर में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी गुमसुम, कम बात करने वाला, अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, जिस कारण अभी भी उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया था। दोस्त बनता भी कैसे, कॉलेज में उसने अपने लिए और अपनी किताबों के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया था, और वो थी कॉलेज की लाइब्रेरी। अनुराग दिन भर वहीं पर बैठे रहता था, लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते रहता था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अनुराग ने एक महीने के अंदर ही लाइब्रेरी की आधे से ज्यादा किताबें चाट मारी थी। वहाँ के लाइब्रेरियन से ज्यादा अच्छे से उसे ये बात पता रहती थी कि कौन सी किताब कहाँ पर जमी होगी। अनुराग को जो किताब मिलती थी वो उसे पढ़ मारता था। उसका कहना था कि एक लेखक को हर विधा का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वो सारी विधाओं की किताबें पढ़ते रहता था। अनुराग कॉलेज में आकर सिर्फ मिस्टर स्टीफन की क्लास ही अटेंड किया करता था, बाकी का सारा वक्त वो लाइब्रेरी में बिताया करता था। इसलिए क्लास के बाकी के स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि अनुराग नाम का शख्स उनकी क्लास में पढ़ता भी है या नहीं। अनुराग बाकी के लोगों के लिए वहाँ होकर भी नहीं था। हमारी जिंदगी में कुछ लोग फरिश्तों की तरह ही आते हैं, जो हमें हमारी जिंदगी के हमसफर से मिलाते हैं, और मिस्टर स्टीफन भी अनुराग की जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह ही आए थे। अगर वो अनुराग की जिंदगी में नहीं आए होते तो अनुराग को कभी उसकी जिंदगी का हमसफर नहीं मिलता। मिस्टर स्टीफन की बदौलत ही अनुराग को वो शख्स मिला जिसने अपने रंगों से अनुराग की बेरंग जिंदगी में रंग भर दिया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। मिस्टर स्टीफन की बदौलत ही अनुराग को वो शख्स मिला जिसने अपने रंगों से अनुराग की बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए। हर दिन की तरह अनुराग कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, और इस वक्त वो अपने पसंदीदा लेखक सहादत हसन मंटो की कहानी ठंडा गोश्त पढ़ रहा था, जिसे पढ़ने में वो पूरी तरह डूब गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कहानी उसके सामने चल रही हो। अनुराग की यही खासियत थी, जब भी वो कोई कहानी पढ़ता था वो उसे पढ़ने में इतना खो जाता था कि उसकी भूख प्यास सब मर जाया करती थी। वो तभी अपनी जगह पर से उठता था जब उस किताब को पढ़कर खत्म कर दिया करता था। कहानी पढ़ते वक्त उसकी आंखों के सामने उस कहानी के पात्र आ जाया करते थे, जो आपस में बातें किया करते थे जैसे वो खुद अपनी कहानी उसके सामने बयां कर रहे हों। अनुराग लाइब्रेरी में अकेला बैठा हुआ था, उसके सिवा लाइब्रेरी में कोई नहीं था।
वरना हमेशा तीन चार लोग तो लाइब्रेरी में रहते ही थे जो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, पर ज्यादातर वही लोग लाइब्रेरी में आकर बैठा करते थे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे। अनुराग मंटो की कहानी पढ़ ही रहा था कि तभी उसके बगल में उसके टीचर मिस्टर स्टीफन आकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर स्टीफन को वहां पर आए हुए करीब 5 मिनट हो गए थे और वो अनुराग के पीछे ही खड़े हुए थे, पर अनुराग कहानी पढ़ने में इतना डूब गया था कि उसका अगल बगल ध्यान ही नहीं गया था। उसे इस बात की इतनी भी भनक नहीं थी कि उसके पीछे उसके टीचर खड़े हुए थे जो ये देख रहे थे कि वो कौन सी किताब पढ़ रहा है। मिस्टर स्टीफन जानबूझकर 2-3 बार खांसते हैं ताकि अनुराग का उन पर ध्यान जाए, पर अनुराग था कि अपनी कहानी पढ़ने में ही डूबा हुआ था, उसका उसके टीचर पर ध्यान ही नहीं गया था। उसने अपनी नजरें किताब पर से जरा सी भी नहीं हटाई थी। जब अनुराग कुछ रिएक्ट नहीं करता है तो मिस्टर स्टीफन को ही अनुराग को हिलाना पड़ता है और उसकी कहानी में से बाहर निकालना पड़ता है। मिस्टर स्टीफन अनुराग को हिलाते हुए कहते हैं, अनुराग अनुराग सुनो। अचानक से किसी का हाथ पीछे से आया तो पहले तो अनुराग बौखला जाता है, डर जाता है, पर जब वो देखता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर स्टीफन खड़े थे, तब जाकर उसकी जान में जान आती है, वो चैन की सांस लेता है। अनुराग तुरंत किताब अपने हाथ में पकड़कर ही खड़ा होता है और हड़बड़ाहट के साथ मिस्टर स्टीफन से कहता है, सर आप। मिस्टर स्टीफन कड़क लहजे में कहते हैं, हाँ मैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनुराग ने अपने हाथ में जो किताब पकड़ी थी वो मिस्टर स्टीफन को दिखाते हुए कहता है, किताब पढ़ रहा था सर। मिस्टर स्टीफन अनुराग पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम किताब पढ़ रहे थे, वो भी मंटो की ठंडा गोश्त। अनुराग को लगने लग जाता है कि आज मिस्टर स्टीफन की क्लास थी जो उसने मिस कर दी थी, जिस कारण मिस्टर स्टीफन चलते फिरते वहां पर आ गए थे और उस पर गुस्सा कर रहे थे। अनुराग अपनी गलती समझते हुए मिस्टर स्टीफन से माफी मांगते हुए कहता है, सर आज आपकी क्लास थी क्या? सॉरी सर वो। अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मिस्टर स्टीफन उसे बीच में टोकते हुए उस पर फिर से गुस्सा करते हुए कहते हैं, अनुराग तुम किस दुनिया में खोए रहते हो? तुम्हें पता है ना आज कौन सा डे है? आज वेंसडे है और आज के दिन मेरी क्लास नहीं रहती है, जानते हो ना आज क्या है? अनुराग खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि उसे नहीं पता था कि आज क्या था, और इस बात का अंदाजा मिस्टर स्टीफन को भी अनुराग का चेहरा देखकर हो जाता है। मिस्टर स्टीफन अनुराग पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, आज हिंदी दिवस है और उसी के लिए हमारे कॉलेज में 2-3 दिन तक कल्चरल प्रोग्राम चलने वाले हैं, वो भी इंटर कॉलेज, जिसमें दूसरे कॉलेज से भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने आने वाले हैं, इसलिए सारी क्लासेस 2 दिन तक ऑफ रखी गई हैं। तुम्हें अपने आसपास कोई भी स्टूडेंट नजर आ रहा है इस वक्त? मिस्टर स्टीफन के इतना कहते ही अनुराग अपने आसपास देखने लग जाता है। उसे सिर्फ लाइब्रेरियन वाली मैम दिखाई देती है जो बुक सेल्फ पर किताबें जमा रही थी, वो किताबें जो स्टूडेंट्स ने रिटर्न की थी। अनुराग हिचकिचाहट के साथ कहता है, नहीं सर मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अनुराग ने इतना ही कहा था कि तभी मिस्टर स्टीफन फिर अनुराग पर चिढ़ते हुए कहते हैं, नजर आएगा भी कैसे, सारे बाहर कल्चरल प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तुम हो कि हमेशा की तरह अपनी किताबों में घुसे हुए। अनुराग अपना सिर नीचे करते हुए नाराजगी के साथ कहता है, सर आपको तो पता ही है मुझे ये सब पसंद नहीं है। मिस्टर स्टीफन अनुराग पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, ये सब पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? यूं अकेलेपन में जीना, अपनी दुनिया में खोई रहना। मिस्टर स्टीफन अनुराग के हाथ की किताब को देखते हुए कहते हैं, मंटो तुम्हारे पसंदीदा लेखक है ना, तुम उन्हीं को अपना आदर्श मानते हो ना? अनुराग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, सर आपको कैसे पता? मिस्टर स्टीफन कहते हैं, कैसे पता नहीं होगा अनुराग, तुम उनकी ही कहानियां बार बार जो पढ़ते रहते हो, ये किताब तुम्हारे कमरे में भी रखी हुई है पर फिर भी तुम उसे यहाँ पर पढ़ रहे हो, जान सकता हूँ क्यों? अनुराग एकदम धीरे से जवाब देता है, वो सर क्या है ना, कहानियां कभी पुरानी नहीं होती हैं। जब भी आप किसी कहानी को दोबारा पढ़ते हैं तो उससे एक नई बात सीखते हैं, और मैं भी वही सीखने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर मिस्टर स्टीफन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, गुस्से से उनका चेहरा लाल होने लग जाता है। मिस्टर स्टीफन अनुराग पर चिढ़ते हुए कहते हैं, सिर्फ तुमने कहानियों से सीखा है, उस कहानी को जिसने लिखा है उससे कुछ नहीं सीखा है। अनुराग खामोश रहता है, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्टर स्टीफन उससे कहना क्या चाहते थे, उसे क्या समझाना चाहते थे। मिस्टर स्टीफन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, जानते हो मंटो ने सबसे ज्यादा कहानियां किन पर लिखी है? अनुराग अगले ही पल हिचकिचाहट के साथ जवाब देता है, वेश्याओं पर। मिस्टर स्टीफन फिर पूछते हैं,
और क्या ये जानते हो उनकी वेश्याओं की कहानी में इतनी गहराई क्यों है? अनुराग अपनी गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, क्योंकि उन्होंने उन कहानियों के दर्द को अपनाया है, उसे अपना बनाया है। मिस्टर स्टीफन अगले ही पल अनुराग से फिर पूछ बैठते हैं, और उन्होंने उस दर्द को कैसे अपनाया, कैसे उन कहानियों के दर्द को अपना बनाया? अनुराग खामोश रहता है। उसके पास मिस्टर स्टीफन के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। मंटो को दिन रात पढ़ने के बाद भी उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। मिस्टर स्टीफन जवाब देते हैं, मंटो ने उन कहानियों के दर्द को अपना बनाया है, उन कहानियों को जीकर, और उस कहानियों को अपनाने के लिए उसे अपनी असल जिंदगी में उन कहानियों के पास जाना पड़ा। जानते हो, मंटो ने ज्यादातर वही कहानियां लिखी हैं जो उनके आसपास घटित होती थी। वो उन्हीं घटनाओं को कहानियों का रूप दे देते थे जो उनकी खासियत थी। अपनी कहानियां लिखने के लिए मंटो कई बार रेड लाइट एरिया में गए थे, वैश्याओं के दर्द को समझने के लिए। उन दलालों से मिले थे जो उन बेबस बेचारी वैश्याओं के जिस्म का सौदा करते थे, उनके जिस्म को नोच खाते थे। अनुराग बड़े गौर से मिस्टर स्टीफन की सारी बातें सुन रहा था। मिस्टर स्टीफन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, मंटो ने अपनी कहानियों में वैश्याओं का वो दर्द बयां किया था जो कोई लेखक नहीं कर पाया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह उन बेचारी वैश्याओं को दो वक्त की रोटी भी तब मिलती थी जब वो अपना जिस्म बेचती थी। इसलिए मंटो आज भी अमर है। और अनुराग, यदि तुम्हें भी अमर बनना है, एक महान लेखक बनना है, तो बाहर की दुनिया में जाना पड़ेगा। इन किताबों को पढ़कर तुम्हें कहानियां लिखने का तरीका तो पता चल जाएगा, पर कहानियां नहीं पता चलेंगी। तुम कोई नई कहानी नहीं लिख पाओगे। नई कहानी की तलाश के लिए तुम्हें बाहर की दुनिया में जाना ही पड़ेगा। यही हमेशा से चलते हुए आ रहा है। अनुराग खामोशी के साथ मिस्टर स्टीफन की बातें सुन रहा था। ऐसा लग रहा था मिस्टर स्टीफन की सारी बातें उसके दिल में उतर रही थी। मिस्टर स्टीफन अपने पन के साथ बड़े ही नर्म लहजे में अनुराग से कहते हैं, इस दुनिया में जितनी भी कहानियां हैं, सारी हमारी असल दुनिया से ही ली गई हैं। बस उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कहानियां हमारे असल जीवन की परछाई होती है, और तुम उस परछाई को तब अपनी कलम से कागजों पर उकेर पाओगे जब तुम असल दुनिया में जाओगे। वहां पर रहने वाले लोगों से उनकी कहानियां सुनोगे, उनके दर्द को समझोगे, उनके दर्द को अपना बनाओगे। अनुराग को समझ आने लग गया था कि अब तक वो जो भी कर रहा था गलत कर रहा था। अब उसे पता चल रहा था कि क्यों वो कोई नई कहानी नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि उसने असल दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया था। और असल दुनिया से रिश्ता तोड़कर कोई भी इंसान लेखक नहीं बन सकता है। एकटक नजर से अनुराग को देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि मिस्टर स्टीफन की बातें उसके दिमाग में बैठ गई थी। वो जान गया था कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। अनुराग को आज उसके अंदर की कमियां साफ दिखाई देने लग गई थी। मिस्टर स्टीफन अनुराग को अपने हाथों से उठने का इशारा करते हुए कहते हैं, तुम इसी वक्त उठो और चलो मेरे साथ। अनुराग हैरानी के साथ अपनी भवे ऊपर करते हुए कहता है, चलूं पर कहां पर सर? मिस्टर स्टीफन अनुराग को घूरते हुए कहते हैं, ये दिखाने कि तुम लेखक बनने के लायक भी हो या नहीं, आज तुम्हारी परीक्षा है। अनुराग की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर स्टीफन क्या कह रहे थे, उसकी आज कैसी लेखक बनने की परीक्षा थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद अनुराग की पलट कर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो चुपचाप मिस्टर स्टीफन के पीछे जाने लग जाता है। जब अनुराग मिस्टर स्टीफन के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो देखता है कि आज कॉलेज में अलग ही रंग जमा हुआ था। उसे कॉलेज में कई चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थी, पर अनुराग किसी को भी अच्छे से नहीं देख रहा था, जैसे उसे लड़की में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। उसकी किताबें ही उसके लिए सब कुछ थी। कॉलेज के अंदर चकाचौंध छाई हुई थी, हर तरफ चहल पहल थी, सब अपने में ही मगन थे। मिस्टर स्टीफन उस चकाचौंध से दूर जाते हुए अनुराग को एक बड़े से हॉल के अंदर ले जाते हैं, जिसके अंदर कई सारे लोग पहले से मौजूद थे। उस हॉल में एक स्टेज था जिस पर चार लाल कुर्सियां थी, जिसमें से तीन कुर्सियों पर कोई पहले से बैठा था और एक कुर्सी खाली थी। देखने से वो कोई गेस्ट या जज लग रहे थे। उसी स्टेज पर पोडियम पर एक एंकर खड़ी हुई थी। हॉल के अंदर ही करीब 30-40 कैनवास पेंटिंग स्टैंड पर लगे हुए थे। वो सारे कैनवास कोरे थे, एकदम सफेद थे। उन सभी कैनवास के सामने कोई ना कोई लड़का लड़की खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो पेंटर थे जो उस कैनवास पर पेंटिंग करने वाले थे। वो सभी अलग अलग कॉलेज से आए थे। वहां का माहौल देखकर अनुराग समझ जाता है कि वहां पर कुछ ही देर में पेंटिंग कंपटीशन होने वाला था, जो कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। अनुराग मिस्टर स्टीफन को देखते हुए कहता है,
सर आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? यहाँ पर तो पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, यहाँ पर आप मेरे लेखक बनने की काबिलियत को कैसे चेक करेंगे? मिस्टर स्टीफन अनुराग की बात को काटते हुए कहते हैं, वो सब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा अनुराग, तुम बस यहीं पर बैठे रहना, यहाँ से कहीं नहीं जाना, मेरी नजर तुम पर ही रहेगी, समझे तुम? इतना कहकर मिस्टर स्टीफन अनुराग को एक कुर्सी पर बिठाकर वहां से जाने लग जाते हैं और स्टेज पर जो लाल चेयर थी उस पर जाकर बैठ जाते हैं। अनुराग जिस जगह पर बैठा था वहां से उसे सभी पेंटर का कैनवास तो दिखाई दे रहा था, पर उनके चेहरे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, वो उन्हें बस पीछे से देख पा रहा था। अनुराग के समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर स्टीफन आखिर करना क्या चाहते थे, क्यों वो उसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन में लेकर आए थे। स्टेज पर पहले एंकर सभी जज का स्वागत करती है, जिनमें से एक मिस्टर स्टीफन भी थे। उनका कॉलेज में बहुत मान और ओहदा था, ऐसा लग रहा था मिस्टर स्टीफन जानबूझकर अनुराग को पेंटिंग में बुलाने के लिए गए थे। वो जानते थे कि अनुराग उन्हें कहां पर मिलेगा। इस बात से साफ समझ आ रहा था कि मिस्टर स्टीफन का अनुराग को उस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में लाने का कोई ना कोई मकसद जरूर था। एंकर पेंटिंग कॉम्पिटिशन शुरू करते हुए कहती है, सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार हर कॉलेज से उनके कॉलेज का बेस्ट पेंटर यहाँ पर पेंटिंग करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये पेंटिंग कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत टफ होने वाला है। आज यहाँ पर ऐसा पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, जो हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जैसे ही एंकर ये बात बोलती है, तालियों की गूंज से हॉल खिल उठता है। वो एंकर फिर अपनी बात रखते हुए कहती है, आप लोगों ने बहुत से पेंटिंग कंपटीशन देखे होंगे, पर ये पेंटिंग कंपटीशन अलग है, क्योंकि इस पेंटिंग कंपटीशन में पेंटर पेंटिंग तो करेंगे पर अपनी आंखें खोलकर नहीं, बल्कि अपनी आंखें बंद करके। जैसे वो एंकर ये बात बोलती है, अनुराग हैरानी के साथ खुद से बोल पड़ता है, क्या ये कैसे मुमकिन है? भला कोई पेंटर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे पेंटिंग कर सकता है? पेंटिंग करने के लिए तो आंखों का खुली रखना बहुत जरूरी है, उसके बिना कैसे पेंटिंग होगी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।